Greetings, welcome to the Get Solution India. So in this lecture we will further discuss the TTL logic or transistor-transistor logic. Okay. So as per last lecture we have discussed that we can replace all the diode of DTL logic और इस तरह से हमें TTL logic मिल जाएगा. Okay. So TTL logic मिल जाएगा. फिर हमने देखा था कि यहाँ पे हमें एक नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज लगाने की जरूरत है, लेकिन नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज अब लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन कलेक्टर स्टेज है. दिस इज कॉमन कलेक्टर स्टेज, दिस इज कॉमन इमिटर स्टेज. तो ये इसको ड्राइव कर रहा है. ओके, दिस इज ड्राइविंग टू दिस स्टेज. ओके, इसको ड्राइव कर रहा है. तो जब ये ऑफ होगा तो ये करंट आपका जो रिवर्स बेस टू इमिटर जंक्शन में जो करंट था वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा. ओके, और ये फास्टर ऑफ हो जाएगा, ये भी फास्टर आपका ऑफ हो जाएगा और डिवाइस ये ऑन करेगा. ओके, अब इसको हम देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है. तो जो स्लो जो काम कर रहा था हमारा डायोड, जो ट्रांजिस्टर हमारा स्लो काम कर रहा था ड्यू टू डायोड, वो प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व हो गई है. तो ये फास्ट काम करेगा. तो दिस इज फास्टर देन डीटीएल. सो दिस इज फास्टर देन डीटीएल. तो ये डीटीएल से फास्टर होगा क्योंकि रिवर्स एक्टिव करंट की हमें प्रॉब्लम यहां पे हमने सॉल्व कर दी है. ओके, अब हम देखते हैं काम कैसे करेगा. तो हम यहां पे 00 01 01 10 या 11 लगाते हैं. तो 0 वाली कोई भी एक कंडीशन हम चेक कर लेते, फिर 11 वाली चेक करेंगे. y आउटपुट मुझे यहां से मिलेगा. y अगर मैं 00 लगा रहा हूं, व्हेन आई एम अप्लाइंग 00 हियर, इट मींस दिस इज फॉरवर्ड वाइज. ओके, दिस इज फॉरवर्ड वाइज, दिस इज बेस, दिस इज बेस, दिस इज इमिटर, दिस इज कलेक्टर. तो बेस टू इमिटर इज फॉरवर्ड वाइज. फॉरवर्ड वाइज मींस दिस डायोड, दिस ट्रांजिस्टर Q1 वर्क एज ए नॉर्मल मोड. इफ दिस इज फॉरवर्ड वाइज, ओके, फॉरवर्ड वाइज इट मींस ऑल करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. ओके, ऑल करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. ये नॉर्मल काम करेगा, मतलब पूरा का पूरा जो आपका करंट इधर फ्लो हो जाएगा. ओके, पूरा करंट इधर फ्लो हो जाएगा. इट मींस यहां पे मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मुझे 0 वोल्ट मिलेगा. यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 होगा. 0 होगा इट मींस दिस डिवाइस इज ऑफ, दिस इज ऑफ. इफ दिस इज ऑफ मींस यहां पे करंट, ये करंट जो है वो 0 हो जाएगा. 0 करंट, यहां पे कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, देयर इज नो करंट. ओके, सो ये करंट हो जाएगा तो यहां पे भी 0 मिलेगा. 0 मिलेगा तो ये डिवाइस भी मेरा ऑफ हो जाएगा. दिस इज वी ऑल ऑफ. अगर ये ऑफ होगा तो मुझे आउटपुट में कितना मिलेगा, जो भी वीडीडी होगा आरएल के अक्रॉस, ये मुझे मैक्सिमम मिलेगा, मतलब मुझे ये 1 मिलेगा. तो मैंने 00 लगाया था, मुझे आउटपुट में 1 मिला. ऐसे 10 ये 01 पे भी मुझे 11 मिलने वाला है. अब मैं 11 की बात करता हूं. अगर मैं यहां पे 11 अप्लाई करता हूं, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. तो ये 1 है, यहां भी हाई है, यहां भी हाई वोल्टेज है. तो ये मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा. रिवर्स बायस जैसे ही होगा तो यहां पे हाई वोल्टेज है, यहां पे हाई वोल्टेज है, यहां पे आपका 0 वोल्टेज है. तो ये क्या था, पीएन. ये पीएन जंक्शन जो होगा ये मेरा फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा क्योंकि ये डिजाइन ही इसलिए इस तरह से किया गया कि रिवर्स एक्टिव में इसने काम करना चाहिए. लास्ट लेक्चर में मैंने किया था कि जो मल्टी ट्रांजिस्टर है, मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर will also work in reverse active region. तो ये reverse active में काम करेगा. तो जैसे ही कब काम करेगा, जब मैंने 1-1 apply logic apply किया, 1-1 logic apply किया. तो 1-1 logic apply करोगे तो ये reverse bias हो जाएगा, ये forward bias हो जाएगा. ओके, तो रिवर्स एक्टिव में ये फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब करंट मेरा यहां फ्लो होगा, यहां करंट फ्लो होगा, मतलब यहां पे वोल्टेज ड्रॉप मेरा ऑन हो जाएगा. तो ये मेरा डिवाइस ऑन हो जाएगा, ये मेरा ऑन हो जाएगा डिवाइस. ये डिवाइस जैसे ही ऑन होगा तो यहां पे भी वोल्टेज मेरा, यहां करंट फ्लो होना शुरू करेगा, करंट फ्लो होगा तो यहां भी वोल्टेज ड्रॉप होगा. तो ये भी यहां भी मुझे 1 मिलेगा, 1 मिलेगा तो ये डिवाइस भी मेरा ऑन हो जाएगा. ये डिवाइस जैसे ही ऑन होगा मतलब ये करंट इधर फ्लो होगा और यहां पे मुझे 0 मिलेगा, यहां पे मुझे 0 मिलेगा. ओके, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम इसकी, अब मैं प्रॉब्लम, ये तो वर्किंग होगी, दिस ऑल अबाउट द वर्किंग. तो मुझे यहां पे 0 मिलेगा वर्किंग.
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक बन रहा है, ये क्या है, नैंड गेट बन रहा है, ये किसी ना किसी लोड को ड्राइव कर रहा है, किसी कैपेसिटर को लोड को ड्राइव कर रहा है, सीएल को, सीएल को ड्राइव कर रहा है। तो देखो जब चार्जिंग करेंगे, जब चार्ज करेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड से चार्ज हो जाएगा, तो ये चार्ज होगा। जब ये डिवाइस मेरा ऑफ होगा, ये मेरा डिवाइस जो ऑफ होगा तो यहां कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो पूरा का पूरा करंट किधर फ्लो होगा, पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो ये हो गया चार्जिंग पाथ, चार्जिंग पाथ। ओके, चार्जिंग पाथ हो गया, तो ये मेरा चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब मुझे बीडीटी मिलेगा, और ये चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, टाउ इज इक्वल टू आर एल इनटू सी, सीएल पे डिपेंड करेगा। तो आर जितना ज्यादा होगा, तो आर को मैं कम से कम लूं ताकि ये जल्दी चार्ज हो जाए। लेकिन अब इसकी एक और प्रॉब्लम, अब मैं जब इसको जब मैं ये मेरा डिवाइस ऑन हो जाएगा तो यहां पे दो तरह के करंट फ्लो होंगे, एक तो ये करंट फ्लो होगा, एक ये भी करंट फ्लो होगा, ये करंट भी फ्लो होगा, मतलब ये जो डिवाइस पे दो करंट फ्लो होंगे, क्योंकि ये भी डिस्चार्ज होगा ना इसके, तो ये दो 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 जब करंट फ्लो होंगे और लोड की वैल्यू बहुत हाई होगी, तो ये जो एक तो ये डिस्चार्जिंग इसके थ्रू हो रही है, तो ये डिवाइस बर्न आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी कम ले रखा है, तो यहां से मैक्सिमम करंट फ्लो ना होगा, तो ये आपका बर्न आउट हो जाएगा। तो एक तो ये इशू है, ठीक है ना। फास्टर किस पे, इसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उस पे, लेकिन ये डिवाइस, ये मेरा रिवर्स एक्टिव में काम कर रहा है, ठीक है ना, ये जो कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। ओके, अगर इस कंडीशन में रहे, अगर ये एक्टिव रीजन में रहेगा, तो फिर ये कंट्रोल में करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर ये भी मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, सैचुरेशन में अगर ट्रांजिस्टर चले गया, सैचुरेशन में चले गया, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ये बर्न आउट हो जाएगा। ओके, तो हमें ये लोड को कंट्रोल वे में मुझे करंट को फ्लो होना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा कि जब मेरा जीरो था या वन था, तो जीरो में जब इनपुट जीरो था और इनपुट वन था, बोथ केस में बीडीटी टू ग्राउंड पाथ मुझे मिल रहा है, क्योंकि जब जीरो मैंने अप्लाई किया था तो ये वाला पाथ मिला था, और वन अप्लाई किया था तब ये वाला पाथ मिला था, तो बोथ केस में ही मुझे बीडीटी टू ग्राउंड पाथ मिल रहा है, मतलब मेरा पावर डिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर मुझे इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा, दैट इज नोन एज ए टोटेम पोल। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है टोटेम पोल लॉजिक। सो इसका सॉल्यूशन है टोटेम पोल TTL। तो ये एक तरह से इसको एक अलग लॉजिक फैमिली भी लोग कुछ लोग बोलते हैं। टोटेम पोल लॉजिक फैमिली में क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम, कि जब जीरो या वन दोनों में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रहा था, लोडिंग की इशू आ रही थी। तो लोडिंग में ओपन कलेक्टर में क्या होता है कि ये आरएल डिपेंड कर जाता है आउटपुट नेक्स्ट के साथ में, ये पैरेलल में आ जाएगा, तो लोग आरएल को हटाते ही हैं। तो ये अगर यहां से हटा दिया इसको, ओके, तो ये अब यहां पे जो लोड होगा ये आउटपुट स्टेज पे डिपेंड करेगा, आउटपुट स्टेज जो भी आपकी लगी, आउटपुट स्टेज पे डिपेंड करेगा, और उसके साथ ये ड्राइविंग कैपेबिलिटी आएगी। तो ये ओपन कलेक्टर टीटीएल भी बोला जाता है, ओके, जिसमें आरएल डिपेंड कर जाता है आउटपुट स्टेज में, यहाँ पे आरएल ही लगेंगे आउटपुट स्टेज का जो भी, अदरवाइज आरएल यहाँ होगा, फिर वो दूसरा आरएल होगा, उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन जाएगा, तो अलग अलग चीजें होगी। टोटेम पोल में क्या होता है, इन दी टोटेम पोल लॉजिक, टोटेम पोल में हम यहाँ पे इस तरह से लॉजिक को डिजाइन करेंगे कि यहां से ये दोनों केस में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ना हो। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट 100 ओम होती है, इसकी वैल्यू होती है समथिंग किलो ओम, 4.7 किलो ओम, इसकी 1 किलो ओम, इसकी भी ऑलमोस्ट 1 किलो ओम होती है, लगभग ये वैल्यू है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग ये वैल्यू, ओके, थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन हाँ इसका मेन ये ज्यादा वैल्यू होगी, ये कम होगी, ये होगी और ये बहुत कम होगी, ये 100 ओम ही होता है। ओके, तो दिस इज द टोटेम पोल टीटीएल लॉजिक। टोटेम पोल में क्या होता है, अब क्या होगा, हमने इस तरह से ये लॉजिक डिजाइन कर दिया है
कि ये डिवाइस बीडीटी 0 या 1 लगा रहे हैं तो पूरा बीसीसी से ग्राउंड पाथ नहीं मिल रहा है, तो इट स्टॉप बीडीडी टू ग्राउंड पाथ। ओके, एंड टोटेम पोल, तो ये पुशिंग एंड पुलिंग करेगा। इट वर्क एज पुश एंड पुल। तो ये पुश और पुल की तरह काम करेगा, पुश पुल की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या होगा, अब देखो ये किस तरह से वर्क करेगा। अब मैं जब 0-0 लगा रहा हूं, 0-0 जैसे ही लगा रहा हूं, तो ये डिवाइस मेरा ये वाला जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये वाला जंक्शन मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस होगा मतलब मेरा करंट पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये मेरा यहां पर मुझे 0 वोल्टेज मिलेगा, ये 0 वोल्टेज मिलेगा मतलब ये मेरा ऑन, ये मेरा ऑफ रहेगा, ये ऑफ रहेगा तो यहां पर भी 0 वोल्टेज मिलेगा, तो ये भी मेरा ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा तो क्या होगा, ये ऑफ है तो देखो यहां रेजिस्टेंस मैक्सिमम ड्रॉप होगा, मतलब यहां पे मुझे 1 मिलेगा क्योंकि यहां पे करंट फ्लो हो नहीं रहा है, ये डायरेक्शन में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि ये डिवाइस मेरा ऑफ है, तो यहां कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये मेरा डिवाइस ऑन हो जाएगा। मैं इसको बोलता हूं Q1, Q2, Q3 और Q4 है, तो Q4 मेरा ऑन हो जाएगा। Q4 ऑन होगा तो ये डायोड भी ऑन हो जाएगा, ये डायोड भी ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन होगा तो मेरा जो करंट फ्लो होने वाला है, अब वो करंट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और इसको पुल करेगा और सीएल मेरा चार्ज हो जाएगा, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा, हाई लॉजिक मिलेगा। ओके, अब ये बात समझ में आई, फिर से समझते हैं। जब मैं 0-0 लगाऊंगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, पूरा करंट इधर फ्लो होगा तो यहां पर 0 मिलेगा, ये यहां 0 है इसके बेस लिमिटर तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ है मतलब यहां भी कोई करंट नहीं फ्लो रहा तो यहां 0 मिलेगा, तो ये डिवाइस भी ऑफ हो जाएगा, ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा। ओके, यहां तक तो समझ में आया, ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा तो यहां कोई करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन यहां करंट आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा इस डिवाइस पे, क्योंकि ये डिवाइस ऑफ है तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहीं ड्रॉप हो जाएगा, यहां वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगा, ये डिवाइस ऑन होने से ये डायोड भी ऑन हो जाएगा और पूरा पूरा करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में और ये सीएल मेरा चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये सीएल जल्दी से जल्दी चार्ज होना चाहिए, उसके लिए मैं ये रेजिस्टेंस को कम से कम रखूं। ओके, लेकिन ये अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो ये मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा, इस करंट को कैसे कंट्रोल करूं यूजिंग दिस डायोड, क्योंकि ये डायोड भी ऑन होने में समय लेगा, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा तो इस डायोड से ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये डायोड मैंने कंट्रोल कर लिया कि अब मैक्सिमम करंट नहीं फ्लो होगा तो पावर डिसिपेशन मेरी कंट्रोल हो जाएगी। ओके, पहला तो, और एक ही डिवाइस ऑन है, ये डिवाइस ऑन है, ये डिवाइस ऑफ। ओके, अब मैं अब क्या कर रहा हूं, अब मैं 1-1 लगा रहा हूं, 1-1 जैसे लगाऊंगा तो ये मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा, जैसे 1-1 लगाया तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाने वाला है, क्योंकि यहां पे 1 है और यहां 0 है, तो ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस जैसे ही होगा तो यहां पे मुझे 1 मिलेगा, 1 जैसे ही मिलेगा तो ये डिवाइस मेरा ऑन हो जाएगा, ये डिवाइस ऑन हो जाएगा, ये डिवाइस ऑन होगा मतलब यहां से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा आरती के अक्रॉस, तो यहां पे मुझे 1 मिलेगा, तो ये डिवाइस मेरा ऑन हो जाएगा, ये डिवाइस ऑन हो जाएगा, जैसे ये डिवाइस ऑन होगा तो ये इसको पुलिंग करना शुरू करेगा, पुशिंग करना शुरू करेगा, मतलब ये कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज होना शुरू होगा इस पाथ के थ्रू। ओके, ये तो मुझे यहां पे 0 मिलेगा, पहले भी ऐसा हो रहा था लेकिन अब मैं उस टाइम पे यहां से भी करंट फ्लो हो रहा था, अब मैं ये देखता हूं क्या हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइस मेरा ऑन है तो पूरा करंट इधर फ्लो हो रहा है, पूरा करंट इधर फ्लो हो रहा है तो यहां पे मुझे 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो ये डिवाइस मेरा ऑफ हो जाएगा। तो अब देखो ये वाला जो करंट पाथ है, ये वाला जो करंट पाथ मेरा क्लोज हो गया, अब सिर्फ ये इसको ही पुलिंग कर रहा है, तो अब मुझे बीडीडी से ग्राउंड के बीच में कोई डायरेक्ट पाथ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये एक, जब मैं 0-0 लगा रहा था ये इसको चार्ज कर रहा था, जब मैं 1-1 लगा रहा था ये इसको डिस्चार्ज कर रहा है, डायरेक्ट वीडीडी ग्राउंड पाथ नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये पावर डिसिपेशन को डिक्रीज द पावर डिसिपेशन, इट डिक्रीजेस द पावर डिसिपेशन। ओके, तो ये पावर डिसिपेशन को एकदम कम कर देता है, सिर्फ मैं
टोटम पोल लॉजिक फैमिली की बात करते हैं। ओके, हमने जो कंपैरिजन करा था वो विदाउट टोटम पोल लॉजिक फैमिली के लिए कंपैरिजन किया, तो टोटम पोल के साथ में ये पावर डिस्पर्शन को बहुत कम कर देता है टोटम पोल, और ये फैन आउट भी इसका बढ़ा देता है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द टीटीएल लॉजिक फैमिली।